2015। अभी भी याद है जब 200 NS बजाज ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, और पता नहीं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी थे। और एक्चुअली वो रीजंस के बारे में बात हम बाद में करते हैं, बट पहले हम इस 200 NS जो 2017 में लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हुए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो पहला चेंज है वो न्यू ग्राफिक डिज़ाइन डाला है, विजुअल डिज़ाइन डाला है, जिसमें रेड वाइट ब्लैक विद एडिशनल ग्राफिक्स एंड स्टिकर्स डाले है। तो इसमें से ब्लैक जो कलर है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा लगता है 200 NS पे। न्यू बेली पैन ऐड हुआ है बॉटम पे, जो स्पोर्टी लुक देता है, एक स्ट्रीट फाइटर अच्छा लुक देता है। उसके बाद जो है टैंक कैपेसिटी 12 लीटर सेम टू सेम है, सब एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ सेम है। और इसके बाद अगर बात करें हम इसके हिस्ट्री के बारे में, तो 200 NS बजाज ने ड्यूक 200 को कॉम्पिटिटर के रूप में लॉन्च किया था, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कॉम्पिटिटर में सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ड्यूक 200 उस टाइम पे काफ़ी अच्छा चला, और एटलीस्ट एट द एंड वो विनर हो गया। तो उसके बाद 200 NS 2015 में बजाज ने डिसकंटिन्यू कर दिया, और इन सब चीज़ों के बावजूद 2017 में बजाज ने वापस इसको लॉन्च कर दिया है विद न्यू ग्राफिक डिज़ाइंस। तो चलिए अब क्यों मैं इसको नहीं खरीदना चाहता इसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो उसी के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसमें ABS बिल्कुल नहीं दिया है। मुझे पता नहीं बजाज ने क्यों नहीं, मतलब प्राइस कटिंग के लिए या बजट कॉस्टिंग के लिए पता नहीं, बट एटलीस्ट एक सिंगल चैनल ABS दे सकते थे इसमें, जो उन्होंने नहीं दिया। तो ये फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो मुझे बहुत ही बुरा लगा इस पॉइंट की वजह से, सिंगल चैनल भी नहीं और ड्यूल चैनल भी नहीं ABS। डोमिनर को इतना अच्छा बना दिया, 200 NS को एटलीस्ट सिंगल चैनल ABS भी नहीं दिया, तो इट्स क्वाइट अनसेटिस्फैक्शन। तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस में भी कोई चेंजेस नहीं है, जो इंजन कैपेसिटी है सेम है, टैंक कैपेसिटी सेम, सब कुछ सेम टू सेम, ग्राफिक डिज़ाइन डाल दिया बस हो गया इनका काम। तो उसके बाद जो एग्जॉस्ट है बिल्कुल बदला नहीं है, सेम टू सेम एग्जॉस्ट, उसी टाइम पे भी यही एग्जॉस्ट साउंड था, अभी भी सेम टू सेम एग्जॉस्ट साउंड है। तो ये थर्ड पॉइंट है जो मुझे पसंद नहीं आया एग्जॉस्ट साउंड का, जो अच्छा नहीं लगा मुझे। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो है फ्यूल इंजेक्शन। अरे सुजुकी जिक्सर SF 150 में अगर फ्यूल इंजेक्शन लॉन्च कर सकते हैं तो 200 NS में क्यों नहीं किया लॉन्च? 200 RS में आप लॉन्च करते हो, 200 NS में लॉन्च नहीं किया। तो ये फोर्थ पॉइंट मुझे बहुत ही मतलब अनसेटिस्फैक्शन लगा बजाज की तरफ से। स्लीपर क्लच तो नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर इतना कॉस्टिंग कम किया तो स्लीपर क्लच प्रोवाइड नहीं करते। तो उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ब्रेकिंग। जब मैंने टेस्ट ड्राइव किया तो मुझे इतना ब्रेक बहुत अच्छा नहीं लगा, एकदम गुड एवरेज। ये ब्रेकिंग जो मुझे फ्रंट में भी और डिस्क में, फ्रंट और बैक दोनों साइड मुझे ब्रेकिंग इतना अच्छा नहीं लगा पल्सर 200 NS का, अनसेटिस्फैक्शन है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ तो डोमिनर 400 जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है तो वो लेना चाहूँगा, बट मैं इसमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल हूँ कि 200 NS लूँ या ना लूँ। बट मेरे हिसाब से तो अगर मैं थोड़ा बजट मेरा बड़ा के डोमिनर 400 की तरफ बिल्कुल जाऊँगा। अगर मेरा बजट थोड़ा सा कम भी कर दिया तो भी मैं RS 200 एक ऑल्सो एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन विथ सिंगल चैनल ABS ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो अगर अभी पता नहीं 200 NS 2017 में लॉन्च कर गया तो पता नहीं शायद 200 AS पल्सर बजाज पल्सर डिसकंटिन्यू कर देंगे। ये पता नहीं, एक डिसकंटिन्यू करते, एक लॉन्च करते, वापस डिसकंटिन्यू करते, वापस लॉन्च करते हैं, थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइन डालते हैं और ये सब हो जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने का खेल। तो देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो ये हुआ मेरा जो वीडियो, इसके बारे में आपको और कोई सजेशन कमेंट्स, आपको सजेशन हो रहेगा कोई वीडियो के बारे में कुछ बातें करनी पड़े तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। और ये थी मेरी 5 रीजंस की कहानी, जो कि मैंने आपको बता दी कि क्यों मैं नहीं लेना चाहता 200 NS। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल, एंड सो follow me on my social networks also, and till then have a good day, have a nice day, and take care and goodbye.
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हिट करें सब्सक्राइब बटन और मोर एंड मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी ही मिल जाएंगे. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक नहीं किए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो उस वीडियोस भी आप चेकआउट कर लीजिए. और आपके इस सपोर्ट की वजह से मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स बढ़ने लगे हैं, बहुत सारे वीडियोस पे लाइक मिलने लगे हैं. अगर आपका कोई भी सजेशन हो वीडियोस के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जिससे की वजह से मैं और भी वीडियोस बना सकूँ. और इस मंथ के एंड में मैं आप सभी के लिए एक गिव अवे कॉन्टेस्ट लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा एक अमेजिंग गिफ्ट. तो फिर वेट कर लीजिए इस गिव अवे कॉन्टेस्ट के लिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिट द लाइक बटन, शेयर करें आप फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, तो मोर एंड मोर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे. तो थैंक यू गाइज.